हे गाइस, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड आज का वीडियो टॉपिक है रैम अपग्रेड इन लैपटॉप। सो जो रैम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो है क्रूशियल की 8GB DDR4 2666 MHz, जिसे हमने अमेज़ॉन से 3500 का ऑर्डर किया था। सो मुझे अपने लैपटॉप की रैम को अपग्रेड करना था और मुझे एक कमेंट रिक्वेस्ट भी मिली थी। सो आज हमने ये वीडियो बनाई दी है। फाइनली बने रहिए वीडियो के साथ, ये पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखिए। चलते हैं लैपटॉप खोलने की तरफ। सो लैपटॉप ओपनिंग प्रोसीजर सेम है हमारा जैसा हमने SSD इंस्टॉल करते हुए किया था। हमें चाहिए एक 4-directional स्क्रू ड्राइवर, जो कि ऐसा है। सो इजीली आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे 130 की ये मिल जाएगी पूरी किट। तो हम सारे स्क्रूज को करेंगे अनस्क्रू बिना कोई प्रेशर लगाए, क्योंकि आपको पता है आपका बैक पैनल क्रैक हो सकता है। सो इसको करते हैं थोड़ा स्पीड अप। सो सभी स्क्रूज को खोलने के बाद हमें एक प्लास्टिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इन सारे प्लास्टिक लॉक्स को भी अनलॉक करना है। तो कोई भी प्लास्टिक कार्ड आप ले सकते हैं। सो अब किसी भी पोर्ट की साइड से हम कार्ड को इंसर्ट करेंगे और बिना प्रेशर लगाए उसे स्लाइड करके चारों तरफ से लॉक्स को खोलेंगे। गाइज, याद रखना है कि बिना कोई प्रेशर अप्लाई करे हमें कार्ड को हल्के हल्के स्लाइड करके चारों तरफ से सारे प्लास्टिक लॉक्स को अनलॉक कर लेना है। सो लॉक्स को अनलॉक करने के बाद याद रहे कि आप बैक पैनल को थोड़ा सा पुश करके पोर्ट्स वाले एरिए से फ्री कर लें, क्योंकि ईयरफोन वगैरह के जो पोर्ट होते हैं उनके होल्स बैक पैनल को रोक के रखते हैं। तो उनको फ्री कर लें, अदरवाइज आपका बैक पैनल क्रैक हो सकता है। सो फाइनली ये सब करने के बाद हमारा बैक पैनल बॉडी से अलग हो गया है और अंदर हमें काफ़ी सारी डस्ट देखने को मिल रही है। थोड़ा सा पहले कर लेते हैं साफ़ सफाई। बिना प्रेशर अप्लाई करें कोई भी माइक्रोफाइबर क्लोथ से आप भी ये थोड़ी सी क्लीनिंग कर सकते हैं। सो ये हमारा यहाँ पर है सेकंड रैम स्लॉट, इसके अंदर हम अपनी रैम को इंसर्ट करेंगे। सो रैम को आपको स्लॉट में स्लाइड करना है बिना कोई प्रेशर अप्लाई करें और स्लाइटली उसको नीचे पुश कर देना ताकि वो अपनी जगह पर, अपनी पोजिशन पर लॉक हो जाए। एंड दैट्स इट, आपकी रैम हो गई है इंस्टॉल। अब हमने लैपटॉप को ओपन करा ही हुआ है तो इसको अच्छे से कर लेते हैं साफ। सो मिलते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग के बाद।
सारी साफ सफाई ऑलमोस्ट हो गई है। अब इसको टेम्परेरी एक बार करते हैं बंद और देखते हैं कि हमारी रैम डिटेक्ट हुई है या नहीं हुई। तो इस बैक पैनल को लगाते हैं और लैपटॉप को ऑन करके देखते हैं। हो गया लैपटॉप ऑन, अनलॉक करते हैं इसको। सो जल्दी से ड्रैगन सेंटर ओपन करके देखते हैं एंड वॉयला, फाइनली हमारी 16 GB रैम डिटेक्ट हो गई है। 8 GB हमारी पहले से थी और 8 GB हमने जो अभी रिसेंटली इंस्टॉल करी है। सो इन टोटल 16 GB कैपेसिटी हमें दिख रही है यहाँ पे। सो ये हो गई सक्सेसफुली इंस्टॉल। अब चलते हैं अपने लैपटॉप को परमानेंट बंद करने की तरफ। सो सारे स्क्रूज को वापस से करते हैं हम टाइट। तो पहले करेंगे इस प्लास्टिक लॉक्स को क्लोज। इसमें भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत करना गाइस, आपको पुश करना है। अगर वो लॉक नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती इसको पुश मत करना, वरना आपके प्लास्टिक लॉक क्रैक हो जाएंगे। एंड फाइनली ये जो स्ट्रिप होती है डिस्प्ले के पीछे, इसको लगा देंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इसको लगाना, पर ये लास्ट पार्ट है। इसको लॉक करने के बाद आपको सारे स्क्रूज टाइट करने हैं। सो ये सब लॉक करने के बाद एक बार फाइनली इसको ऑन करके देख लेते हैं कि हमारे टास्क मैनेजर में भी रैम को डिटेक्ट किया या नहीं किया। एंड हमारे टास्क मैनेजर ने भी रैम को डिटेक्ट कर लिया है। लेट मी शो यू। सो ये हमारी 16 GB रैम इन टोटल डिटेक्ट हो गई है। एंड दैट वाज इट गाइस, हमारा रैम इंस्टॉलेशन प्रोसेस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नए हो तो, पुराने हो तो भी कर दो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater.